राजस्थान के बारे में एक कहावत है, आ तो सुरगा ने सरमावे, ईपे देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। परस्पर भाईचारे और शांति का प्रदेश राजस्थान, जो पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक दंगों से जल रहा है। पहले करौली, फिर अलवर का राजगढ़, जोधपुर और भीलवाड़ा। राजस्थान में पिछले 4 सालों में 6 बड़े दंगे हुए। टोंक में 8 अक्टूबर 2019 को, डूंगरपुर में 24 सितंबर 2020 को, बारा में 11 अप्रैल 2021 को, झालावाड़ में 19 जुलाई 2021 को, करौली में 2 अप्रैल 2022 को और जोधपुर में 2 मई 2022 को। जहां भाजपा का ये कहना है कि अशोक गहलोत इसे संभालने में विफल रहे, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, तो भी कांग्रेस का कहना है कि इन दंगों के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। वहीं ये भी मानना है कि इसके पीछे पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। वहीं राजस्थान पीएफआई ने जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि उन्होंने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर ऐसी घटना के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता की वजह से ही करौली में इस स्तर की हिंसा की घटना देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं हम पीएफआई के बारे में। पीएफआई का पूरा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। यह एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है। साल 2006 में एनडीएफ यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के एक मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन हुआ था। पीएफआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पीएफआई खुद को न्याय, आजादी और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नव समाज के आंदोलन के रूप में बताता है। जहां करौली में हिंदू नव वर्ष पर बाइक रैली पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पथराव किया गया था। उपद्रवियों ने 35 से भी ज्यादा दुकानों, मकानों और बाइकों को आग लगा दी थी। इसके बाद में प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लगाई, जिले में कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं अलवर के राजगढ़ में 3 हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया गया। इसमें एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। फिर वही हुआ जो पॉलिटिक्स में होता है, एक दूसरे पर नाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को रास्ता निकालकर मंदिर को बचाना चाहिए था। करौली की घटना के बाद में सरकार की नीयत साफ नजर आ रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट तुष्टीकरण की राजनीति अपनाकर अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है, तभी तो उन्होंने 300 साल पुराना मंदिर भी तोड़वा दिया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान गवर्नमेंट के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। राजगढ़ नगरीय निकाय बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी का है, उन्होंने ही ये प्रस्ताव लाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों और मंदिरों को तुड़वाया है। हम यानी कांग्रेस के विधायक तो विरोध करते ही रह गए, अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो हम मंदिर दोबारा बनवा देंगे। भीलवाड़ा में भी 2 समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो गया। भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में 2 युवकों के साथ में अज्ञात युवकों ने मारपीट की। इसके बाद में 33 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मैंने आपको करौली, अलवर के राजगढ़ और भीलवाड़ा में हुई घटना के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जोधपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में। हुआ यूं था कि परशुराम जयंती और ईद दोनों एक ही दिन यानी कि 3 मई को थे। भारत में ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। भारत में इससे पहले भी 2 धर्मों के त्योहार एक साथ आए हैं और परस्पर भाईचारे और शांति के साथ मनाए भी गए हैं, लेकिन विवाद शुरू होता है जोधपुर में जालोरी गेट से, जहां पर 1 मई को परशुराम जयंती मनाने के लिए भगवा झंडे लगाए गए थे। इसके बाद में 2 मई की शाम को प्रशासन ने डिसाइड किया कि यहां पर ईद मनाने दी जाए हर साल की तरह। इसके बाद में ईद को मनाने के लिए वहां पर झंडे लगाए गए और लाउडस्पीकर लग गए। इसके बाद में किसी ने रातों रात ये अफवाह फैला दी कि जोधपुर में पाकिस्तान के झंडे लग गए हैं, जोधपुर अब पाकिस्तान बन गया है, जबकि ये सच नहीं था। ये झंडे पाकिस्तान के नहीं थे बल्कि इस्लामिक धर्म के झंडे थे। ये भी कहा गया कि मुसलमानों ने स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुट बिस्सा की मूर्ति का चेहरा काले टेप से ढक दिया है, जबकि कुछ ने ये कहा कि ये सही नहीं था, उन्होंने झंडा लगाने के लिए इस टेप का यूज किया था। इसके बाद में क्या हुआ, कुछ लोग आए और उन्होंने उनके इस्लामिक धर्म के झंडे उखाड़ दिए, उनके लाउड
लाउड स्पीकरों को उतार दिया गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसके बाद में मुसलमानों के बीच में ये बात आग की तरह फैल गई और करीब रात के 1 बजे वो लोग जालोरी गेट पहुंचे और उन्होंने पथराव किया। इसके बाद में पुलिस ने सारी सिचुएशन को संभालते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने दोनों समुदायों के बीच में सुलह करा दी और बोला कि सुबह की नमाज शांति से होगी। लेकिन हाँ, दूसरे समुदाय के लोगों ने यह कहा था कि आप जो नमाज है वो सड़क पर नहीं करेंगे, ईदगाह में जाके करेंगे। तो सुबह जब मुसलमान नमाज पढ़ने आए तो चौराहे पर लगे हुए भगवे झंडे को देखकर उन्होंने नारेबाजी की और मुसलमानों ने पथराव कर कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद में पुलिस ने सारे मामले को संभालते हुए भगवे झंडे को हटाकर वहां पर तिरंगा लगा दिया। इसके बाद में बीजेपी के नेताओं ने वहां पर आकर विरोध जताया। गजेंद्र सिंह ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन होते रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी ईद जानबूझकर खराब की गई है। जोधपुर में धारा 144 लगी, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हालांकि अभी जोधपुर में इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोधपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हम सब लोग परस्पर भाईचारे और शांति के साथ रहते हैं, परस्पर मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। ये लोग हमारे मोहल्ले के तो नहीं थे। इसके बाद में पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश है क्योंकि जिन पत्थरों से पथराव किया गया था वो पत्थर लगभग एक जैसे थे और यहाँ पर तो कोई पत्थर थे भी नहीं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम लोगों ने दंगा कहीं होने ही नहीं दिया, ना करौली में, ना राजगढ़ और ना जोधपुर में, इसलिए कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अशोक गहलोत ने यह भी कहा, ये तो हम हैं जो दंगा होने नहीं दिया, वरना जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो क्या स्थिति होती है और देश में क्या क्या हालात बनते हैं, ये सब तो आप जानती हैं। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।